किया गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये कुछ इंग्लिश रोज़ के पौधे हैं मेरे मेरे पास कुछ 15 से 16 गुलाब के पौधे हैं, जिनमें से एक दो को छोड़ के सभी को मैंने इसी विंटर ग्रो किया है और अभी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग्स भी स्टार्ट हो गई है। ये ऑरेंज फ्लावर है, ऑरेंज फ्लावर का पौधा है और यहाँ इसने एक बर्ड्स भी प्रोड्यूस की हुई है और ये हेल्दी है। फिर यहाँ एक रेड रोज़ है, ये मिनिएचर वाली वेराइटी है। इसमें फ्लावर्स के साइज़ थोड़ा छोटा होता है पर फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं, गुच्छों में आते हैं, ये भी काफ़ी हेल्दी है। फिर यहाँ पे एक ये भी एक मिनिएचर वाली वेराइटी है, इसमें एक बर्ड्स भी प्रोड्यूस की है। ये जब मैं लाया था तो छोटा और कमज़ोर पौधा था पर अभी हेल्दी है। फिर यहाँ पे ये एक येलो और ऑरेंज डबल कलर के फ्लावर्स का पौधा है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। फिर यहाँ पे एक येलो रोज़ का पौधा है, इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई है, इसने काफ़ी बर्ड्स प्रोड्यूस की है और ये कल खिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो इंग्लिश रोज़ के पौधे हैं होते हैं, ये जितने पुराने होते हैं, जितने मैच्योर होते हैं, इतनी इनमें फ्लावरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। हालांकि मेरे इन गुलाब के पौधों को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है पर ये जितने पुराने होंगे उतने ज़्यादा फ्लावर देंगे। तो दोस्तों, इन गुलाब के पौधों की समर में क्या केयर करनी है, इसके बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इनको फुल डे सनलाइट पसंद रहती है। विंटर में आप इनको पूरे दिन की धूप दीजिए, ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ इनको पूरे दिन की धूप मिले। पर समर में जब टेम्परेचर 35 से 38 के प्लस हो जाता है तब आप इनको शेड में प्लेस कीजिए, ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहाँ इनको 11 बजे तक की धूप मिले और इसके बाद उन शेड में रख दीजिए, क्योंकि ज़्यादा धूप में, दोपहर की धूप में ये झुलस जाते हैं, इनके फ्लावर्स भी जल जाते हैं और मुरझाए रहते हैं। इसलिए इनको समर में दोपहर की धूप से बचा के रखिए। फिर मैं खाद या फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो दोस्तों, विंटर में इनको 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र दीजिए पर समर में इनको मंथ में एक ही बार फर्टिलाइज़र दीजिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनको समर में केमिकल फर्टिलाइज़र दे या नहीं। तो दोस्तों, समर में इनका ग्रोथ स्लो हो जाता है और फ्लावर भी छोटे आते हैं और फ्लावर कैपेसिटी भी कम हो जाती है, तो इनको विंटर में समर में किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो इनको समर में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे। फिर बात करूँ तो इन गुलाब के पौधों में थ्रिप्स और माइट्स का हमला होता रहता है। आपको जब भी लगे कि आपके पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ी सी रहती है तो समझ लीजिए इनमें थ्रिप्स ने हमला किया है। थ्रिप्स साल में कभी भी हमला करते हैं पर गर्मियों में इनका हमला थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर आप पौधे की पत्तियाँ पलट कर देखिए, इसमें रेड माइट और वाइट माइट्स बैठे होते हैं। वो पौधे की पत्तियों पर एक जाला सा बुन देते हैं और इसके जो खाना इंटेक करने की जो प्रक्रिया होती है इसमें ये बाधा डालते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप जब भी इस पर शावरिंग करें, जब भी इसमें पानी दें तो इनमें अच्छे से शावरिंग करें और पौधे को अच्छे से नहला दें और प्रेशर से शावरिंग करें, क्योंकि ये रेड माइट्स, ये माइट्स और थ्रिप्स को पानी पसंद नहीं रहता। और फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें थ्रिप्स और माइट्स है तो आप बाज़ार से किसी भी इंसेक्टिसाइड और माइटीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। बाज़ार में बहुत से केमिकल इंसेक्टिसाइड और माइटीसाइड अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ से ख़रीद कर ले आइए और 1 लीटर पानी में 1 ml अच्छे से घोल कर इनकी पत्तियों पे आगे और पीछे स्प्रे कर दीजिए, इससे ये थ्रिप्स और माइट्स भाग जाएंगे। फिर दोस्तों, आप जब भी इन केमिकल इंसेक्टिसाइड या माइटीसाइड का स्प्रे करें तो अपने मुंह पे एक मास्क बांध ले और हाथों में ग्लव्स पहन ले, क्योंकि ये जहर होता है और ये आपको भी नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की थोड़ी सी केयर करने पर ये गुलाब के पौधे पूरे साल आपके साथ रहते हैं। ये परेनियल प्लांट होते हैं, ये सालों साल आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।